हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है और मैं खुद सिविल सर्विसेज से हूँ, रिटायर्ड हूँ, एक और हमारे सर है। तो हमारा ये रहेगा शुरू से फॉर्मेट जो है ना, कि ऐसे नहीं कि हमें प्री का टारगेट है, हम डे वन से आपको सिखाएंगे, वीकली टेस्ट लेंगे, प्री का भी टेस्ट लेंगे, मेंस का भी टेस्ट लेंगे। कोचिंग होती है गाइडेंस, मतलब ऐसे नहीं कि सब कुछ हम नहीं कराएंगे, मतलब कोई कहने कि भाई कोचिंग वाले गारंटी देते हैं, हम कतई गारंटी नहीं देंगे, गारंटी नहीं होती है, गारंटी तो प्रोडक्ट्स की होती है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एजुकेशन का इंटरेक्टिव मीडियम है। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। तो एक तो ये भूल जाओ कि भाई हम तो गारंटी दे देंगे या हमारे पास कोई ऐसा कैप्सूल है वो दे देंगे, मेहनत आपको करनी है। कोचिंग का रोल होता है 25% का, 25% तक हमारी कोचिंग आपको बताएंगे, मटेरियल देंगे सारा, हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है और मैं खुद सिविल सर्विसेज से हूँ, रिटायर्ड हूँ, एक और हमारे सर है। तो हमारा ये रहेगा शुरू से फॉर्मेट जो है ना, कि ऐसे नहीं कि हमें प्री का टारगेट है, हम डे वन से आपको सिखाएंगे, वीकली टेस्ट लेंगे, प्री का भी टेस्ट लेंगे, मेंस का भी टेस्ट लेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम आप अभी तो आपको क्या बताए, बाकी जैसे पावर ड्रेसिंग होती है ना वो बताएंगे कि आपको जब इंटरव्यू में जाना है तो ये पहन के जाना है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में ये चीज़ें आती हैं, ये करना है ये नहीं करना है, ज़्यादा PhD नहीं करनी है, आपको नॉलेज हर एक चीज़ की होनी चाहिए, हर इवेंट्स की होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप किसी एक सब्जेक्ट में घुस गए, कहीं कहीं अर्थक्वेक आ गया और फिर के ऊपर पूरी डिटेल ले ली, कितने मैग्नीट्यूड का कहाँ कहाँ आया, इससे पहले कहाँ आया, मतलब आप हिस्ट्री में चले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब ये होता है कि अब जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस कि आपसे दूसरे वाला क्या चाहता है, यानी एग्जामिनर क्या चाहता है, हम यहाँ पे पढ़ाएंगे न्यूज़पेपर्स में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हम डेली आपको नोट्स देंगे कि आज कल के पेपर में आया था ये, आप हैंडआउट लीजिए और इस पर तैयारी करिए, तो उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। क्योंकि जो पर्सनलिटी टेस्ट है उसमें आप देखोगे जो ऐड आती है UPSC की, तो उसमें ये लिखा होता है कि हम आपसे वो उम्मीद करते हैं जो एक पढ़ा लिखा आदमी बगैर स्पेशल प्रिपरेशन के अपने चारों तरफ के इवेंट से वाकिफ है। जैसे अब इलेक्शन चल रहे हैं, 6 फेज में होने, 7 में होने, 3 में होने, वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी स्टेट्स में हो चुके हैं, किस किस में रहते हैं, कैसे कैसे कैंडिडेट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, कितनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है, कितने नॉमिनेट होते हैं, कितने नहीं होते हैं, एमिनेंट पर्सन राज्यसभा में जाते हैं, इसमें जाते हैं, तो उस दौरान आपको ही पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म है हमारे यहाँ, डेमोक्रेटिक फॉर्म में, प्रेजिडेंशियल फॉर्म में, या प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में। तो ये जो अवेयरनेस की चीज़ें वो हम डेली बताएंगे आप, एक बात। दूसरा क्या है कि जो बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें से हमारी टीम है जो करंट अफेयर्स का रूल निकालती है, उसमें मैं भी मेंबर हूँ, तो हम उसमें से निकाल के आपको देंगे। तो आपको ये नहीं है कि जैसे नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ने में, एक न्यूज़पेपर को पढ़ने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और अगर नोट बना दो तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, हम आपकी वो टाइम सेविंग करेंगे। करंट अफेयर्स के जो 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको प्रिपेयर करके देंगे, ठीक है। बाकी हमारी टीम रहेगी यहाँ पे, हम यहाँ पे अवेलेबल होंगे, आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है, किसी दिन लो फील हो रहा है, बढ़िया नहीं लग रहा है, उसके लिए मोटिवेशनल आपको लेक्चर देंगे, चीज़ें बताएंगे, बातें बताएंगे कि भाई ये होता है, ये नॉर्मल है, जैसे बीमार आदमी होता है ना उसको कहते हैं ना हौसले में रहे, ऐसे रहे, तो हम पढ़ाई वाले डॉक्टर भी हैं, तो उसमें आपको मोटिवेट करके रखेंगे कि भाई होता है, एक आधे एग्जाम में फेल भी होते, हम भी हुए थे, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और इसकी जो सारी स्टेजेज हैं हम पहले दिन से लास्ट की स्टेज तक की तैयारी कराएंगे आपको, इंटरव्यू की गाइडेंस भी होगी, मेंस की भी होगी, हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, जैसे हम लोग GS का जो 4th पेपर है पता होगा, एथिक्स का है, तो उसमें ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, अब हम लोग तो निकले हुए हैं उन चीज़ों से, तो हम उनको आपको प्रैक्टिकली जो चीज़ है वो बताएंगे। तो हमारी जो टीम में है बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटी का है, डॉक्टरेट है हमारे जो प्रोफेसर हैं वो पॉलिटी का कराएंगे, एनवायरनमेंट का अलग से कराएंगे, तो हर एक सब्जेक्ट को उस तरह से हम कवर करते हैं, हमारी ये अप्रोच। और दिल्ली में हमारा चल रहा है, बिलासपुर में, शिमला में, तो वहाँ पे डिमांड थी, दरअसल ये हिमाचल, J&K, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब वालों की डिमांड थी कि दिल्ली में, मतलब यहाँ का क्लाइमेट अलग तरह का है, वहाँ का अलग तरह का है, तो यहाँ वाले जैसे पहाड़ी वाला क्षेत्र का बच्चा वहाँ पर बड़ा सफोकेटेड फील करता है, तो वहाँ पे है हमारे इंस्टीट्यूट में 15-20 बच्चे और वो यहाँ पे शिफ्ट होने की कह रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं जिसलिए हमने खोला है। तो एक सबसे यूनिक चीज़ हमारी ये कि एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारी,
खुद जैसे GS4 है उसको हम पढ़ाएंगे आपको, केस स्टडीज हम पढ़ाएंगे। दूसरा हमारा बैच इसी साइज का रहेगा, बाकी कुछ सत्तर का 80 का 90 का उसका नहीं होगा, या 700 का भी है वहाँ पर दिल्ली में। हमारा ये है स्टैंडर्ड का, हमारी ये खासियत आपकी मेंटरशिप के लिए यहाँ अवेलेबल रहेंगे। दूसरा हमारी लाइब्रेरी है, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी होगी, आपको लाइब्रेरी में आके बैठ के पढ़िए। संडे को भी खुला रहेगा हमारा, सिर्फ एक या दो दिन कभी बंद करेंगे, 26 जनवरी बंद रहेगा तो अगर हमारा इसी को हमेशा बच्चे। अब आपके सवाल। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हमारी डेली क्लास लगेगी, और जैसे ही लगेगा ना कि कहीं बैकलॉग चल रहा है तो हम सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज भी लगा देंगे, उस तरह से बिल्कुल टॉपिक वाइज फ्रेम है हमारा, उस फ्रेम में चलेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तुमने आपने ग्रेजुएशन की हुई है आपकी, आप कहाँ तो प्लस टू की कितने परसेंट नंबर? 88%। अच्छा प्रोमिसिंग है, स्कोर है, आप कर सकते हो। और दूसरा ये कि इंग्लिश हिंदी की जो पेपर होता है प्री रिक्विजिट होता है, उसमें मेंस के जो पेपर होते हैं बाकी तभी चेक होते हैं जब उनमें 25% नंबर होते हैं, उसकी भी हम तैयारी कराएंगे, लैंग्वेज भी इम्प्रूव कराएंगे। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके लिए वो वोकैबुलरी हमारे पास स्पेशल टीचर है जो IAS ऑफिसर है, उन्होंने किताब भी लिखी हुई है कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसकी वोकैबुलरी वगैरह सारा वो सिस्टम भी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको पूरा तैयार करके। देखो ऑप्शनल का सबसे बढ़िया मैं आपको एक तरीका बताऊँ, तीन सब्जेक्ट है, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, एक पॉलिटिकल साइंस, इनका 100 से ज़्यादा नंबर GS में आता है, मीन्स GS 1 और 2। तो बेस्ट ये है कि इन तीन में से, और अगर आपको शौक है जैसे सोशोलॉजी साइकोलॉजी या कुछ उस तरह का तो फिर सोशोलॉजी साइकोलॉजी वो ले सकते हैं, वो पेपर आपको हेल्प करता है। इसके कंपलसरी ये जो चार पेपर उसमें ये ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये खूब हेल्प करता है, तो उसको तो तैयार करना ही आपको, वो भी तैयार हो जाए ठीक। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है, जब आप उसमें एक्स्ट्रा आएगा ना उसमें दो पार्ट होते हैं ऑप्शनल के, पहला थ्योरेटिकल होता है दूसरा प्रैक्टिकल या अप्लाइड बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे तो ज़्यादा आएगी ना ज्योग्राफी, इसमें आएगी ज्योग्राफी जो हर स्टूडेंट को पता है, अर्थक्वेक के बारे में आएगा, वोल्केनोज के बारे में आएगा, सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में आएगा ठीक है, रिवर्स के सिस्टम के बारे में आएगा, मॉनसून के में आएगा, एल नीनो आएगा उसमें आएगा एल नीनो कौन से एरिया में होता है कैसे क्या डायरेक्शन होती है उसमें डायरेक्शन होती है, तो मतलब उसमें एक्स्ट्रा जैसे ग्रेजुएशन के बाद जब MA में जाते हो MA में और ज़्यादा थ्रेडबेयर एनालिसिस होता है, उसके बाद PhD में जाते हो तो उसी एक सब्जेक्ट में घुस जाते हैं, जैसे डॉक्टरी वाले यहाँ अपने देखो कोई ऑर्थो का है, कोई आइज का है, कोई ENT का है, फिर आगे और स्पेशलाइजेशन हो जाती है, ENT में भी ये कि भी एक ईयर्स का हो जाएगा, एक नोज का हो जाएगा, एक थ्रोट का हो जाएगा, उस तरह से GS 1 में बेसिक आएगा और 2 में, लेकिन उसमें बड़ा क्रिटिकल आएगा। तो ये तीन सब्जेक्ट है, अगर तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का शौक है, और इनकेस इनका ये है कि भाई GS के लिए ही पढ़ना है तो अदरवाइज आप इसमें सोशोलॉजी ले सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो, बाकी ये ऑप्शन। और इसमें सबसे बेस्ट ये रहेगा आप एक बार कोर्स जैसे जब ज्वाइन कर लो ना, मैं ये नहीं कहता हमारे यहाँ पर जहाँ भी करना है आपको कर लो, और अपना पोटेंशियल ज़रूर यूज़ करना चाहिए इंसान को, अगर आपको लगता है ना कि आप ये कर सकते हो तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो फिर जीवन में जब हमारे जैसे सफ़ेद बाल हो जाते हैं तो ये लगता है कि ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे कर लेते तो वैसे हो जाते, तो अगर आप में हिम्मत है तो ज़रूर करिए, लगातार लगे रहिए, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप अगर आप में पोटेंशियल है तो उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो, यूज करो, आगे बढ़ो, और हम उसमें हेल्प करेंगे 20-25%, वो आपके ऊपर आप 30 भी ले जाओ, क्योंकि हमने एक और जैसे दो चीज़ें बता रहा था कि एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारी, दूसरा ग्रुप साइज वो जो बैच साइज है हमारा 30-35 है मैक्सिमम, 36वां बच्चा होते हम आगे करके 18-18 की क्लास करते हैं, ये हमारा रूल है, और बड़ी क्लास हम लगाते नहीं है, चाहे GS हो चाहे CSET हो कुछ भी। तीसरा हमारा ये कि जो ये NCERT के लिए ना बच्चे घूमते रहते हैं,
मेरे को नाइन्थ की ज्योग्राफी नहीं मिल रही, मेरे को हिस्ट्री नहीं मिल रही, मेरे को वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। उसके लिए हमने हमारे इंस्टीट्यूट में सारा कंपाइल करके एक बना रखी है, सारी ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी की, सारी हिस्ट्री की, सारी पॉलिटी की, सारी गवर्नेंस की, इस तरह से वो आपको हम सारा अवेलेबल कर रहे हैं। ये यूनिक फीचर है। देखो, एक जो हमारा पूरा बैच चलेगा, अभी इसका चलेगा, ऑप्शनल तो सिर्फ 3 महीने में हो जाता है। वो जब आप करना चाहो आप ज्वाइन कर लेना, वंस यू ज्वाइन द कोर्स उसके बाद डिसाइड कर लेना कौन सा ऑप्शनल लेना है पढ़ के। जब डिसाइड कर लेते तो ऑप्शनल क्लास लगा लेना, ठीक है। ऑप्शनल एड का अलग फीस है और विदाउट ऑप्शनल अलग फीस है। आपका कोई और सवाल? क्योंकि बाकी तो आप भी ग्रेजुएट हो, हैं? अच्छा, तीनों प्लस टू वाले हो तो आप 3 साल वाला ज्वाइन कर लो हमारे यहाँ, साथ साथ में इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। हमारे साथ 8 बच्चे अमृतसर से आ रहे हैं, अभी थोड़े दिन में आ जाएंगे, वो प्लस टू वाले ही 8 बच्चे जो बुक करा चुके हैं कि भाई हम आ रहे हैं 3 साल। आप ही की तरह प्रोमिसिंग बच्चे हैं, अच्छे 90-55 के करीब नंबर उनको उम्मीद है। बस कॉलेज का डिसाइड होते ही वो आ जाएंगे हमारे पास, और वो 3 साल वाले में आ रहे हैं। हमने स्पेशली डिजाइन किया हुआ 3 साल वाला। इसमें यूनिक चीज़ें मैं बताता हूँ। एक तो जब आप यहाँ पे पढ़ोगे ना 3 ईयर में, तो आप जब कॉलेज में जाओगे वहाँ पे आप परफॉर्म करोगे, क्योंकि आंसर राइटिंग की आपकी यहाँ की प्रैक्टिस होगी। जब वो करोगे तो वहाँ पे आप इम्प्रूव करोगे। हमारे जितने पीछे के बच्चे रहे ना, सारी अपनी क्लास में टॉपर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, वहाँ पे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आएगी, एक अलग फैक्टर आपको काम करेगा। यहाँ पे आपको रीडिंग स्टाइल बताएंगे, राइटिंग स्टाइल बताएंगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव कराएंगे, आपको वोकैबुलरी के लिए कहेंगे कि डायरी लगाओ, नोटबुक लगाओ, तो प्रॉपर गाइडेंस। दूसरा क्या है, उसमें वीकेंड बैचेज लगेंगे आपको, डेली नहीं है, वीकेंड लगेंगे। डेली अगर चाहोगे तो वो कर देंगे, लेकिन वीकेंड्स पर लगेंगे सैटरडे संडे को, और उसमें आपके 2 दिन बच जाएंगे। नहीं तो ये लगेगा कि इधर घुमाएं उधर घुमाएं, होता है ना, पेरेंट्स को भी ये रहता है कि बच्चे घूमते रहते हैं 2 दिन, उनको कैसे लगाएं। ये सिर्फ आप जैसे बच्चे जो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहते, उसके लिए हमारा 3 साल का कोर्स। आपका ऐसा कोई सवाल जो लग रहा हो कि मैंने कवर नहीं किया? ठीक है, कोई सवाल हो तो फिर बात करें।